बारे में आज हम लोग जो है बीजेपी के काले चिट्ठे, बीजेपी ने 5 साल में क्या काम किया है और आगे 5 साल में क्या काम करने वाली है, इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और हमारे साथ है माननीय राहुल जी, जो है स्वागत है राहुल जी आपका। आज हम जो है आपको बताने जाएंगे, आप यहाँ पे हम जनता जनार्दन के बताना चाहते हैं कि बीजेपी ने पहला टॉपिक, हम यहाँ पे 3 टॉपिकों को कवर करेंगे, कलर, धर्म और जो है उनका हेल्पलाइन नंबर, कि किस तरीके से बीजेपी जनता जनार्दन को केवल बेवकूफ और मूर्ख बना रही है और कुछ नहीं कर रही है। पहले तो बोलिए आए जगम छाई अगर, ये देखिए ये क्या है, आप क्या बता सकते हैं क्या है ये? ये गमछा है जी, ये गमछा, ये शरीर पोछने के लिए गमछा है, जिसका कलर कौन सा है? भगवा। ये कलर किसका है? अगर आप इस भगवे कलर को लेकर घूमते हो तो आप चाहे कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हो, चाहे आप सपा का सपोर्ट कर रहे हो, चाहे भाजपा का सपोर्ट कर रहे हो, किसी का भी सपोर्ट कर रहे हो, आपको भाजपा का मान लिया जाएगा। ये जैसे गमछे को, ऑरेंज कलर को, इन लोगों ने लगता है कि जैसे पेटेंट करा के रख रखा है कि भाजपा जो है ऑरेंज कलर की इनका जीना, मतलब भाजपा वाले जब पैदा हुए थे तब ऑरेंज ही कलर लेके पैदा हुए थे, इस तरीके से इन्होंने करा था। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि क्यों हम जब भी हम नहीं है किसी से पार्टी के सपोर्ट में, लेकिन हम ये भाग ऑरेंज कलर का गमछा हमें अच्छा लगता है, तो हम क्यों नहीं लेके इसे घूम सकते हैं? अरे यार, तू पाकिस्तान से हो क्या? पाकिस्तान से क्या है, ऑरेंज कलर है, हिंदू है, हम हिंदू है, हिंदू की पहचान है ऑरेंज कलर। तुम हिंदू हो, तुम्हें ये नहीं पता कि जो है भगवा रंग किस लिए है? किस लिए? भगवा रंग किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। आज से 15-20 साल पहले, जब तक मोदी सरकार थी और है इस समय, 15-20 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, हाँ, थी कि नहीं? थी। साधु चलते थे रोड पे, हाँ, जब साधु चलते थे रोड पे, तो आपने क्यों ना कहा, ये कहा साधु का कलर है, ये केवल धर्म का कलर। तब आपने ये क्यों नहीं कहा कि वो बीजेपी के सपोर्टर है, बताइए आप। बीजेपी इस समय सरकार में है, बीजेपी ये कलर पे अपना जैसे अधिकार जमा ली है, और अधिकार जमा ली है, लेकिन ये आपकी बात बहुत सत्य है, ये बीजेपी का सिंबल ये भगवा कलर है, लेकिन आप ये हमें बता दीजिए कि 20 साल पहले जब साधु रोड पे चलते थे तो वो भगवा पहनते थे, तो आपने क्यों नहीं कहा कि वो तुम साधु से, आपने क्यों जो है आप कांग्रेस के सपोर्टर है या बीजेपी के सपोर्टर हो, बताओ। आपने ये प्रश्न क्यों नहीं उठाया? आप पाकिस्तान से हैं क्या? नहीं, पाकिस्तान से नहीं आए, इसमें पाकिस्तान की बात कहां से करते थे, जब कलर भगवा कलर की बात हो रही है, पाकिस्तान को क्यों बीच में ला रहे हैं? मानते हैं उसका कलर हरा है, हमें पाकिस्तान का कलर हरा है, हम जानते हैं पाकिस्तान का कलर हरा है, लेकिन हमारा कलर भगवा नहीं है, हम बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, हम कांग्रेस के सपोर्टर नहीं है, हम किसी के भी सपोर्टर नहीं है, हम आम आदमी है, हमें ऑरेंज कलर पसंद है, तो क्यों हमें पुलिस वाले रोक के कहते हैं कि गमछा हटाइए? जब आचार संहिता लागू रहती है इस देश में, तब क्यों पुलिस वाले हमें रोककर कहते हैं कि ये गमछा अपने गले से हटा दीजिए? क्यों हटा दें हम गले से भाई अपने गमछा? क्यों आपने इस कलर को एकदम पेटेंट करा रखा है कि जो लेके घूमेगा वो भाजपा का हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सरकार गलत रोकती है आप लोगों को, पुलिस गलत रोकती है, ऐसी कोई बात नहीं, आप अपने मन से बनाकर मत बोलिए ये बात जो है। और ये बात जो आप बोल रहे हैं कि जो ये सिंबल बीजेपी का है, तो ऐसा अच्छी बात है, और मोदी सरकार ने ये अलाउ भी किया है कि भगवा रंग और भगवे रंग पे जो अयोध्या का मैटर था, और इसके अनुसार योगी जी भी भगवा रंग पहनते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि योगी जो है कि साधु है या पर फलाना ढिकाना, इससे आपको तो योगी जी है। तो साधु ही है योगी जी, और योगी जी साधु है, लेकिन प्रधानमंत्री भी है ना।